नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। तो भैया, जिस चीज का डर था वही हुआ। रेलवे ने एक लेटर जारी कर दिया है और जो आईटीआई वाले बच्चे हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग आपको सीधी भर्ती नहीं दे सकते। लेटर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोग जानते ही हैं। ये आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है गवर्नमेंट की न्यूज को पब्लिश करता है, तो आप लोगों के लिए लेटर उसी साइट पे मिलेगा। वैसे लेटर का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो दैट आप लेटर को जान सके। इन केस अगर आपको इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना, और आगे चल के अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। और एक चीज और बता दूं कि जो 20% वाला कोटा है वो एज इट इज आप लोगों का चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। इन केस उसमें कोई चेंज होता है तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। खबर जो है बहुत बड़ी है। बहुत बच्चे परेशान भी होंगे इसके लिए, क्योंकि बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे रेलवे से। अब देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आगे चल के कोई चेंज होता है तो जरूर आप लोगों को जो है मैं बताऊंगा, और आप लोग अभी वेट करो। हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, और अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आई विल गेट इन टच विद यू। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। अभी लेटर जो जारी हुआ है, एज पर मी यार, कुछ बच्चों का स्किल टेस्ट अगर ये लोग ले लेते, क्योंकि जो आईटीआई के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से, उनको आधा तो ट्रेंड वहीं के वहीं कर दिया जाता है। उसके बाद जस्ट उसको फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप लोग कोई स्किल टेस्ट ले लेते, चलो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ऐसी चीज कर देते कि उसमें सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले बच्चे ही बैठते तो कितना सही रहता। बट शिव गोपाल मिश्रा भी अपनी साइड से लगे हुए थे, ऐसा नहीं हुआ। उनको भी थोड़ा जो है धक्का तो लगा हुआ होगा कि रेलवे ने इस तरीके का लेटर जारी किया है। और अगर देखते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी, अगर आप जो है आगे चल के बात कर सकते हैं आगे मिनिस्टर से, तो जो है कुछ हो सकता है। अगर कुछ होगा तो जरूर आपको जो है इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को जो है सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहे। थैंक यू।